गदर 2 के बाद सनी देओल योद्धा महाराणा प्रताप का किरदार निभाते दिखाई देंगे। इस खबर को सुनकर एक्टर के फैंस खुशी से झूम उठे हैं। सनी देओल और अमीषा पटेल स्टारर फिल्म गदर साल 2001 में रिलीज हुई थी। फिल्म ने रिलीज के साथ ही बॉक्स ऑफिस पर सफलता के झंडे गाड़ दिए थे। अब गदर फिल्म के सीक्वल की घोषणा के बाद से हर कोई इसका इंतजार कर रहा है। वहीं अब सनी देओल उनके फैंस के लिए एक और बड़ी खबर सामने आ रही है, जिसे सुनकर वो झूम उठे हैं। सन 2001 में रिलीज हुई फिल्म गदर ने दर्शकों के दिलों पर खास छाप छोड़ी थी। अब दर्शक फिल्म के दूसरे पार्ट के लिए एक्साइटेड हैं। सनी देओल और अमीषा पटेल को बड़े पर्दे पर देखने के लिए फैंस बेताब हैं। वहीं अब सनी देओल के फैंस के लिए एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। खबर है कि फिल्म के बाद सनी देओल एक और बड़ा धमाका करने वाले हैं। उनके हाथ बड़ा प्रोजेक्ट लगा है। गदर 2 के बाद सनी देओल योद्धा महाराणा प्रताप का किरदार निभाते दिखाई देंगे। इस खबर को सुनकर एक्टर के फैंस खुशी से झूम उठे हैं। ऐसा दावा किया जा रहा है कि सनी देओल जल्द ही महाराणा प्रताप पर आधारित एक फिल्म में लीड रोल में नजर आ सकते हैं। फिल्म का निर्देशन विक्की राणावत करने वाले हैं। विक्की खुद महाराणा प्रताप की भूमि मेवाड़ से ताल्लुक रखते हैं। विक्की अपने करियर में कई फिल्में, टीवी शोज और डॉक्यूमेंट्री बना चुके हैं। बताया ऐसा जा रहा है कि सनी को ये रोल पसंद आया है और गदर 2 की रिलीज के बाद वो इस फिल्म पर काम शुरू कर सकते हैं। फिल्म गदर की बात करें तो 22 साल बाद फिर तारा सिंह अपनी लेडी लव सकीना के साथ बड़े पर्दे पर लौट रहे हैं। इस फिल्म में सनी एक बार फिर से तारा सिंह बनकर पाकिस्तानियों की धुनाई करते दिखाई देंगे। आपको याद हो तो फिल्म के पहले पार्ट में तारा सिंह सकीना को लेने पाकिस्तान जाता है, लेकिन इस बार कहानी में बदलाव किए गए हैं। इस बार फिर से तारा सिंह सीमा पार पाकिस्तान जाएगा, लेकिन इस बार अपनी पत्नी सकीना को लेने नहीं बल्कि अपने बेटे जीते को लेने के लिए जाएगा। दरअसल जीते कहानी में दिखाया जाएगा देश की सेवा के लिए सेना में भर्ती हो गया है, लेकिन किसी वजह से वो पाकिस्तान पहुंच जाता है। ऐसे में अब उसे छुड़ाने के लिए तारा सिंह पाकिस्तान पहुंचेगा। गदर 2 11 अगस्त 2023 को रिलीज होगी। अनिल शर्मा की निर्देशित गदर 2 2001 की गदर एक प्रेम कथा का सीक्वल है। फिल्म में अनिल शर्मा के बेटे उत्कर्ष शर्मा भी होंगे, जिन्होंने पहले पार्ट में सनी और अमीषा के बेटे की भूमिका निभाई थी। आपको फिल्म का कितना इंतजार है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, और जाते जाते इस वाली वीडियो को कर दीजिए लाइक और शेयर, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलिए। और मुझे यानी श्रुति को दीजिए इजाजत। नमस्कार।